अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एनम फूड। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा डो, जो बिल्कुल मुनफरिद है दूसरी डोज के हिसाब से। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें एंड तक। 1 कप गर्म पानी लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून शुगर, चीनी डालेंगे। ये बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट है, आपने इसको लास्ट तक फॉलो करना मेरी वीडियो को। 1 टेबलस्पून यीस्ट डालेंगे, खमीर जिसको बोलते हैं। इसको मिक्स करें अच्छे से और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने दें। ये देखिए कितनी अच्छी यीस्ट वो राइज हुई है। अब 2 कप इसके अंदर ऑल पर्पज़ फ्लावर डालेंगे, आधा टीस्पून नमक, 1 से 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालेंगे। अब ये जो खमीर का मिक्सचर था ये ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑथेंटिक मेजरमेंट है, इससे आपके 2 लार्ज पिज़्ज़े आराम से बन जाएंगे। हम मशीन में ये आप इसको मिक्सचर को बना सकते हैं डो को, नहीं तो आप हाथ के साथ भी इसको मिक्स कर सकते हैं। अब हम एक बाउल के अंदर इसको ट्रांसफ़र करेंगे, 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ऑयल चारों तरफ स्प्रेड हो जाए। गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और ये 4 घंटे के लिए, इसको 3 से 4 घंटे के लिए गर्म जगह पर रख दें। मैदा स्प्रेड करें या ऑल पर्पज फ्लावर। अब इसको निकालेंगे पैन से, इसके अंदर से बॉल से। इस साथ सिलिकॉन का स्पैचुला लें, इससे आराम से आपका जो है वो डो निकल आती है, नहीं तो हाथ पे चिपकती है ये। अब इसका थोड़ा सा मसाज करेंगे। इसको इस तरह बुक की तरह फोल्ड करना आपने, इस तरह। ये पिज़्ज़ा की 2 पार्ट्स में मैं इसको बनाऊंगी। अभी मैं इसमें डो बनाना सिखा रही हूँ, दूसरे में मैं आपको पिज़्ज़ा किस तरह बनाते हैं, क्रस्टी पिज़्ज़ा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये अभी मैं इसमें आपको डो बताना सिखा रही हूँ। इस तरह आपकी डो होनी चाहिए, देखें फिंगर लगाएं और इस तरह बाउंस बैक हो। अब मेन थिंग जो है वो अभी हम करेंगे। अब एक बॉल लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, इसको अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लें। अब ये डो हम इसके अंदर रख देंगे, इस पर ऑयल लगाएं। ऑयल लगाने के बाद इसको ओवरनाइट आपने फ्रिज में रखना है। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माई चैनल।